वाह वंडरफुल, सोमा और पूजा ने रॉय और कोहली फैमिली की शान बचाने के लिए अपना आखिरी पासा भी फेंक दिया है। आइए पूछते जजेस से कि उनको आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था दोनों का, और देखा जाए तो आप पूजा जी आप तो सीखी हुई हैं डांस, है ना? यू हैव लर्नड डांसिंग। और सोमा तू भी तो शेखुनी ना नाच नाम कौन दे डांसिंग की नहीं। सो द कॉम्पिटिशन, आई मीन लुकिंग एट बोथ ऑफ यू डांसिंग, दोनों को देख के ऐसे लगता है कि दोनों सीख रहे थे, दोनों ने सीखा है। सो वेरी वेल डन, वेल डन। आई थिंक बहुत कंफ्यूजिंग है डिसाइड करना कि किससे ज़्यादा बेहतर डांस किया। दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। अब ये है एलिमिनेशन राउंड, तो हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन जाएगा कौन रहेगा। काजोल जी, जैसे अजय जी ने और मम्मी ने कहा है, मुझे लगता है कि दोनों ने बहुत ही अच्छा डांस किया, दे वो वेरी वेरी गुड। और दोनों के बीच में जो टाइमिंग थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। सो बहुत ही आई एंजॉयड द परफॉर्मेंस वेरी मच। थैंक यू मैम। पूजा जी, सोमा जी, धड़कने तेज? हाँ बहुत ज़्यादा। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं उन सबकी धड़कने आज तेज होंगी, क्योंकि इतनी कांटे की टक्कर, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दोनों ने किया। फैसला बहुत मुश्किल है। मैं स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे तीनों जजेस को कि वो यहाँ आए और ये फैसला सुनाए। दोनों फैमिलीज ने बहुत मेहनत की है टॉप फोर तक पहुंचने में, दिन रात एक कर दी है, पिछले 3 महीने से यहाँ है, और आज वो घड़ी आ गई है किसी एक फैमिली को आज यहाँ से जाना होगा। पहले तो 2000 तालियां हो जाएं दोनों फैमिलीज के लिए। रॉय फैमिली फ्रॉम कोलकाता एंड कोहली फैमिली फ्रॉम आगरा, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं अपने जजेस से अनुरोध करूंगा कि वो ये फैसला सुनाए, किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं और आज कौन सी फैमिली यहाँ से चली जाएगी। कौन सी फैमिली रहेगी और कौन सी फैमिली जाएगी ये तय करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये दो इन दोनों ने इतना अच्छा डांस किया कि पूछिए मत। एक डिफरेंस था पूजा, जो आपने यू हैव लर्नड डांसिंग राइट, फिर भी एक बात मैंने नोटिस की कि आप जब डांस कर रही थी तो आप सिर्फ स्माइल कर रही थी, गाने का जो मतलब है उसका आपके चेहरे पे वो नहीं आया। वेर इज सोमा जब डांस कर रही थी तो वो समझ के, वो जो उसके बोल है वो समझ के डांस कर रही थी। सो आई एम सॉरी बट आई हैव टू गिव हर एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सो शी हैज 9 एंड यू हैव 8। और इसी के साथ हमें मिल गई है वो तीसरी फैमिली जो ग्रैंड फिनाले में पहुंची है, वो है रॉय फैमिली फ्रॉम कलकत्ता। रॉय फैमिली, सोमा जी, आज मैं जब बॉटम टू का ये गाना खत्म हुआ तो मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, क्योंकि पिछले बार जब मैं बॉटम टू में आई थी तो मेरा फैमिली मेरे साथ थे, आदमी अकेली थी, इसलिए ज्यादा धक धक हो रहा था। पूजा जी, आप वाइल्ड कार्ड के जरिए आए थे, लेकिन विश्वास मानिए आपने इतना इम्प्रूव किया 4 हफ्तों में कि सबने देखा है। वो जो पहले हफ्ते परफॉर्मेंस थी जिसमें आपको ये कह के पॉइंट्स दिए गए थे कि आज आपका पहला परफॉर्मेंस है इसलिए, लेकिन आज जो आप परफॉर्म किया उसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आज आप जा रहे हैं। ऐसी भी बात नहीं है, हम जा रहे हैं। एक्चुअली हमको लगता है कि हम लोग बाकी फैमिली के मुकाबले हमको बहुत कम टाइम मिला था, वो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ सीख रहे हैं, हम लोग अभी 1.5-2 महीने होंगे हमें, लेकिन उतने कम समय में भी हम लोग टॉप 4 में पहुँच गए, तो वो अपने आप में हमें लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और इसके लिए मैं ZTV को थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ आने के लिए। अपने जजेस का भी बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही डल गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें विश्वास किया और आगे बढ़ने का मौका दिया। सो थैंक यू लॉर्ड। राकेश जी,
राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक आ गए, बहुत टॉप फोर तक पहुँच गए। आज कोहली फैमिली यहाँ से जा रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने आज दिया है वो बेहतरीन था और आई थिंक उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो कोहली फैमिली के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मुस्कान ने भी प्रॉमिस किया कि अगली बार जब रॉक एंड रोल होगा तो पूरी तैयारी के साथ सबको ट्रेन करके खुद आएंगी, है ना? हाँ। ऐसे ही हंसते हुए नाम आपका मुस्कान है तो आपको हमेशा हंसना है। हमने कहा था ना कि ब्लैक एंड व्हाइट और सुख और दुख दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक तरफ कोहली फैमिली के जाने का गम है तो दूसरी तरफ टॉप थ्री फैमिलीज मिलने की खुशी भी है। कोहली फैमिली हम आपको बहुत ही मिस करेंगे। देखना ना भूलिएगा एयरटेल रॉक एंड रोल फैमिली का हंगामा जी म्यूजिक पर इस शो के तुरंत बाद।